नमस्कार किसान साथियों, एम टेक ब्लॉक में आज आपका एक बार स्वागत है। आज हम कंपैरिजन वीडियो लेकर आए हैं न्यू हॉलैंड 3630 ट्रैक्टर का, जो देख सकते हैं। तो इसमें जो काफ़ी कुछ बहुत चेंजेस नहीं हुआ है कंपनी ने, जो पुराना ट्रैक्टर था और नए ट्रैक्टर में क्या क्या चेंजेस दिए हुए कंपनी ने, उनको हम आज आपको बारीकी से सब कुछ बताएंगे। इसमें यहाँ पे देख सकते हैं 25 साल पुराना ये ट्रैक्टर कंपनी भारत में हो चुकी है। कुछ किसान भाई कंफ्यूज रहे, जो काफ़ी बेहतरीन ट्रैक्टर है, न्यू हॉलैंड भी माना जाता है अपने शहर में। दोनों में क्या क्या अंतर है आपको हम जो बताएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें सीट में दिया हुआ है बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल सीट बेल्ट, और उसमें साइज जो उस ट्रैक्टर में नहीं दिया हुआ है सीट बेल्ट, जो काफ़ी बेहतरीन ट्रैक्टर है न्यू हॉलैंड देख सकते हैं इधर। और जो कि यहाँ पे देख सकते हैं सीट में काफ़ी बड़ा सीट दिया हुआ है, और जो उसका मीटर है और उसका स्टेयरिंग काफ़ी ऊँचा और अंदर की जगह भी काफ़ी ऊँचा दिया हुआ है, जिससे कि चलाने वाले में काफ़ी आसानी हो। और यहाँ पर देखो स्टेयरिंग जो ये वाली हाइट आप देख सकते हैं, इसमें इसका स्टेयरिंग भी काफ़ी ऊंचा दिया हुआ है उसके आने वाले ट्रैक्टर से, बैठने के बाद जो चलाने में काफ़ी बेहतरीन हो। लिफ्टोमेटिक मिल जाती है भाई, साइड में वही डिस्ट्रीब्यूटर दिया हुआ है जो इसमें दिया हुआ है, और सब बैक साइड सेम है, और इंजन भी इसका सेम है। भाई सोलर पैनल में जगह भी काफ़ी अच्छा मेंटेन किया हुआ है, उतना ही जगह उसमें भी मेंटेन हुआ है। और वही पीछे की बात कर लेते हैं तो इस वाले इसमें डबल और जरूरी वाल दिया हुआ है, और वही इसमें भी वही चीज़ है दोनों में भाई, उंगली रखने के लिए भी जो कि डबल लिफ्टिंग कैपेसिटी भी इसमें दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं, और सेम चीज़ इसमें भी दिया हुआ है वहीं पे। इस वाले मॉडल में भी, और ये ट्रैक्टर जो है हॉजिंग में आता है, ये सब दोनों ट्रैक्टर आते हैं जो कि 50 HP कैटेगरी के श्रेणी के ट्रैक्टर हैं ये। और एक और चीज़ बताना चाहूँगा, जो पहले न्यू हॉलैंड आता था किसानों का पसंदीदा ट्रैक्टर ये भी है, जो काफ़ी यहाँ पे किसानों की समस्या रहती थी कि उस समय बाद जो है ये टायर ये चलनी बंद हो जाती थी, जाम हो जाती, जिससे कि लॉक उससे फ्री से आता है तो इस तरीके से एडजस्ट नहीं कर पाता था, और ये सीट पे लगे हुआ है, इसमें इतना चेंजेस कंपनी ने किया हुआ है, ये चीज़ सुधारी है इस कंपनी ने, और ये इस तरीके से करा। और एक और चीज़ भाई, ये वाली और यहाँ पे लगा के एडजस्ट करने के लिए काफ़ी जगह भी दिया हुआ है सेट करने के लिए सब कुछ। ये छोटी छोटी सी चीज़ है भाई, हर कंपनी इस पर ध्यान नहीं देती। कलर पेंट भी काफ़ी बेहतरीन है, और पीछे से देखने में काफ़ी दमदार ट्रैक्टर लगता है, और पीछे वाले में अलग दिया हुआ है वही चीज उसमें भी दिया हुआ है। मीटर पर दे रखी है इन्होंने दो तरीके की, दोनों में बात करते हैं, यहाँ पे बैठ के दिखाता हूं, यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके ऊपर चढ़ने पे इसका मीटर जो है चाबी ऑन नहीं करेंगे तब भी इसमें दिखेगा बंद हो जाएगा, चाबी ऑन कर, जो कि ये 1600 RPM पे 540 पावर यूनिट करता है, और 2540 RPM जनरेट करता है, पीपीओ का जाती है ट्रैक्टर की TX मॉडल, जिससे कि इसकी मिट्टी या रोटावेटर चलाने में काफ़ी बारीकी से सके। सुपर प्लस फाइबर कैनोपी के साथ क्या अंतर है और इसके साथ क्या अंतर है, और भाई प्राइस की बात बता दो, दोनों ट्रैक्टर श्रेणी में दोनों ट्रैक्टर भाई होते हैं, उसमें प्राइस का बहुत ज्यादा अंतर है, 50,000 का समझ लो, किसान से 50,000-60,000 रुपए एक्स्ट्रा लेता है। और एक और चीज भाई, ये अभी नोटिस प्रॉब्लम है कंपनी का, भाई छोटी छोटी चीजों में कटौती करें, कुछ ने पहले लोहे के देते थे फिर प्लास्टिक के देने शुरू कर दिए, ये कंपनी मैंने ऐसे देखी जो कि काफ़ी बेहतरीन है। और देख सकते हैं इसमें बोल्ट भी काफ़ी बड़ा दिया हुआ है उसके अपेक्षा, और काफ़ी आगे भी दिया हुआ है, चला के बेल्ट भी काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, जिससे कि ट्रैक्टर उठे ना, और दोनों एडजस्टेबल एक्सल है इसमें आके के, जो कि दोनों सेम है, सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग के साथ मिलता है, ज़्यादा अंतर नहीं है, जिसमें भी थोड़ा अंतर है। और यहाँ पे इसमें जो है कि लाइन पर दिया हुआ है, और ये जो देता है पहले पीछे देता था, इसमें आगे कर दिया है कंपनी, जिससे कि बनाने बनाने में काफ़ी आसानी हो, जो कि पुराने ट्रैक्टर में से और हल्का पीछे दिया था, जिससे कोई दिक्कत होता था बनाने बनाने में। वहीं बात कर लेते हैं इसके स्टिकर की, तो आप देख सकते हैं इसका लुक कुछ इस प्रकार से है, और यहाँ पे जो है कि देख सकते हैं लिख कर दिया हुआ है प्लस, और यहाँ पे जो है लिखा हुआ है, पहले यहीं पे लिखा हुआ देता था, जो कि इसमें थोड़ा स्टिकर में कुछ चेंजेस किया हुआ कंपनी ने, थोड़ी हल्की हल्की चीज़ें भी चेंजेस किए हुए हैं, जिससे कि इसका कॉस्ट 50,000 बेसी आएगा ट्रैक्टर लेने में, और उसमें जो है छतरी भी ऊपर दिया हुआ है, मुझे बहुत अच्छी लगी भाई, इसका भी प्राइस तो बढ़ता ही है, और नीचे से
इसका जगह भी काफ़ी ऊंचा दिया हुआ पुराने वाले का बच्चा, इसमें जमीन से ऊंचाई बनी है, डबल स्टेप वाला है चढ़ने के लिए ऊपर दिया हुआ है। और इन ट्रैक्टरों का लुक भी काफ़ी बेहतरीन है, इसका जो है कि काफ़ी अच्छा कलर है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा।